हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी हजरत उस्मान, दोबारा बात कर रही हूँ कैनेडा से। अच्छा, मुझे तीन सवाल पूछने हैं। मुझे पहले तो ये पूछना है कि जो हम अपने वालदेन को पढ़ के बख्शते हैं, सवाब पहुँचाते हैं, तो क्या वो हमको जरूरी होता है कि पहले हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तमाम उनको, उनके अजवाज मोहतरात को पहुँचाएं और फिर अपने पेरेंट्स को पहुँचाएं, तो क्या हम डायरेक्ट अपने वालदेन को पहुँचा सकते हैं? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। खैर, आप खुश नसीब हैं कि दोबारा कॉल भी आपकी मिल गई है। वाकई आप सच्ची मोहब्बत करती हैं, इसे अल्लाह ने दोबारा आपको मौका दे दिया, वरना यहाँ तो लाइनें फुल होती हैं। तो नहीं, बिल्कुल उसमें डायरेक्ट आप अपने वालदैन को पहुँचा सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया इकराम को इसलिए शामिल करते हैं कि उनके हक में जो इसाले सवाब किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला यकीनन उसको कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मुकर्रब हैं। उनके लिए आपको दुआ करते हैं तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। जब उनके लिए कबूल करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये बहुत बईद है कि अल्लाह उनके हक में कबूल कर लें, आपके वालदैन के हक में कबूल ना करें। अल्लाह जब कबूल करते हैं फिर वसत से सबके लिए कबूल करते हैं। इसलिए हम सलात व सलाम हर दुआ में शामिल करते हैं कि नबी पर सलात व सलाम तो रद्द होता नहीं, कबूल होता ही होता है। तो अल्लाह की रहमत यह है कि अल्लाह जब उसको कबूल करते हैं तो हमारी दुआ को भी साथ कबूल कर लेंगे। इसलिए जो है अम्बिया इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ मिलाया जाता है कि अल्लाह उनके सदके तुफैल से ये जो है इसाले सवाब हमारे वालदैन को कर दे, क्योंकि उनके हक में जब कबूल होगा तो हमारे वालदैन के हक में भी डेफिनेटली कबूल हो जाएगा, इसलिए उनको शामिल करते हैं। लेकिन वैसे कवायद और उसूल के मुताबिक आप डायरेक्ट सिर्फ अपने वालदैन को भेजना चाहें बिल्कुल भेज सकते हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन उसमें कबूलियत जो मशकूक रहती है, लेकिन उनको प्यारों को मिला लेंगे तो कबूलियत यकीनी होती है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं।